उज्जैन से हम बात करेंगे, जहां मशहूर सिंगर बादशाह ने माफी मांगी, अपने गाने सनक को लेकर बादशाह ने माफी मांगी है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने ये माफी मांगी है। उज्जैन के पंडितों और संतों ने गाने का विरोध किया था और उसके बाद जैसे ही ये विवाद आगे बढ़ा उसके बाद मशहूर सिंगर बादशाह ने माफी मांगी है। बता दें कि बादशाह का एक नया गाना आया था सनक, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया था और उसके बाद उज्जैन के पंडितों और संतों ने इस गाने का विरोध किया था और अब बादशाह सामने आए हैं। उन्होंने अपने गाने को लेकर माफी मांगी है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पोस्ट के जरिए मशहूर सिंगर बादशाह ने अपने गाने को लेकर माफी मांगी है। बता दें कि इस गाने के जरिए बादशाह पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा था, विवाद नया खड़ा हो गया था और लगातार उज्जैन के पंडित और संत इस गाने का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद अब बादशाह ने माफी मांगी है पोस्ट के जरिए। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, जैसे ही हमने ये देखा ये गाना सामने आया, लगातार विवाद इसके ऊपर बढ़ता जा रहा था और अब बादशाह ने माफी मांग ली है। बिल्कुल पीता, बता देंगे विश्वसित बाबा महाकालेश्वर की नगरी में कई आस्था पर जिस प्रकार जो मशहूर सिंगर बादशाह थे उन्होंने एक रेपर सॉन्ग बनाया था, उसमें अश्लीलता की पूरी सारी हदें पार कर दी थी। उसको लेकर पुजारी हो चाहे संत हो, उन्होंने काफी विरोध जताया था और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर ये सिंगर कभी भी अगर उज्जैन आता है तो इसका काला मुंह करेंगे और यहाँ तक कि थाने में मामला दर्ज कराया जाएगा। उसको लेकर लगातार विरोध के सुर उठ रहे थे। उसको बाद फिर सिंगर बादशाह ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने ही इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म रहते हैं उस पर माफी मांगी। माफी मांगने के बाद पुजारियों ने कहा है कि ये सिर्फ माफी का लेवल केवल तक नहीं है, अगर उसके बाद भी अगर किसी भी सिंगर हो या फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी कलाकार हो अगर इस तरीके की अश्लीलता हमारे हिंदू देवताओं के खिलाफ कोई टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ लगातार विरोध किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो इन्होंने अश्लीलता की हदें पार कर दी उसको लेकर कहीं ना माफी केवल इतनी माफी मांगना ही संगीन नहीं है, लेकिन इनको आगे भी ध्यान रखना पड़ा कि किसी भी हिंदू देवताओं के खिलाफ कोई भी अश्लीलता से टिप्पणी ना करें। जी संतोष, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बादशाह का एक नया गाना रिलीज हुआ था और जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ विवादों में आ गया, आरोप लग रहा था कि इस गाने में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो महादेव को लेकर इसमें अश्लीलता फैलाई गई है और उसको लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा था। तो बादशाह ने ये माफी मांगी और उनका ये गाना रिलीज हुआ था, जो जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ काफी चर्चाओं में आ गया और गाने में अपशब्दों के साथ महादेव का नाम लेने के कारण विवाद खड़ा हो गया था। अब बादशाह ने माफी मांगी है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।